Hi guys, welcome to our YouTube channel Educreaters. We create educational videos. So आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, कैसे क्रिस क्रॉस मैथड के यूटिलाइजेशन से केमिकल इक्वेशन बनती है, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है 9th का, जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशंस में। तो पहले अपन बेसिक्स पढ़ लेते हैं, फिर अपन फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं। तो वैलेंसी के बाद अपने लास्ट टाइम भी करी थी। अब वैलेंसी क्या होती है, जो अपने कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट पढ़ा था, जिसमें अपने 2, 8, 8, 8 वाला जो था कंसेप्ट, वही सेम कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है। अब जैसे हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1, इसने इसको दे दिया या ले लिया। हाइड्रोजन ने स्टेबल होने के लिए ले लिया, क्लोरीन ने स्टेबल होने के लिए दे दिया, क्योंकि 17 है, 2, 8, 7 उसको लेना पड़ा तो हो गया Cl-, उसको देना पड़ा तो हो गया H+। तो S का 2 हो गई वैलेंसी, C की 4 हो गई, Mg की 2 हो गई, Al की 3 हो गई, Ca की 2 हो गई। उसी तरह से अभी अपन ने पॉलीएटॉमिक एटम्स पढ़े थे, उसमें NO3 -1 था, OH -1 था वैलेंसी, O3 का -2 वैलेंसी थी और SO4 की -2 वैलेंसी थी। अब ये वैलेंसी बहुत यूटिलाइज होती है जब अपन केमिकल रिएक्शंस करते हैं। अब एक एक करके अपन क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चंस हैं, 10 रिएक्शंस हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है ये देखिए। अब देखो H, ये हो गया Cl। H की वैलेंसी क्या है 1, Cl की वैलेंसी क्या है 1, तो ये क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा HCl, क्योंकि 1, 1 है, 1, 1 को कैंसिल कर देगा तो इसमें कोई भी वो नहीं आएगा। अब H2S की बात करते हैं। अब ये हो गया अपन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया अपन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बनाना है H और S का। H का क्या वैलेंसी 1, S की क्या वैलेंसी 2, क्रॉस किया बन गया H, ये यहाँ गया 2, ये यहाँ गया S, H2S बन गया। H2S क्या होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसे बन गया। तो क्रिस क्रॉस मैथड है ये, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिस क्रॉस मैथड। सेम नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्या है CCl। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है CCl4। C ये हो गया Cl, C के का वैलेंसी कितनी है 4, 4 नीचे लिख दी। Cl की वैलेंसी कितनी है 1, 1 की नीचे लिख दी। इधर क्रिस क्रॉस किया, इधर क्रिस क्रॉस किया, C के पास क्या आया 1, Cl के पास क्या आया 4, तो ये क्या बन गया कार्बन। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों हुआ ये? टेट्रा मतलब क्या होता है, टेट्रा मतलब होता है 4, टेट्रा मतलब 4। डाई मतलब क्या होता है 2, ट्राई मतलब क्या होता है 3 और टेट्रा मतलब क्या होता है 4। क्या आया Mg, मतलब क्या हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब C का वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ये हुआ क्रिस, ये हो गया क्रॉस। Mg के पास क्या आया 1, Cl के पास क्या आया 2, तो ये क्या बन गया मैग्नीशियम क्लो राइड। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Al2O3 कैसे बना, AlO। अब Al की वैलेंसी क्या है 3, O की वैलेंसी क्या है, O की वैलेंसी है 2। ठीक है, O की वैलेंसी है 2, क्रिस क्रॉस हुआ, क्या बना, Al के पास क्या आया 2, O के पास क्या आया 3, तो ये क्या बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन Ca के साथ में O, Ca की वैलेंसी 2, O की वैलेंसी 2। अगर कभी दोनों की वैलेंसी अगर 1 होगी तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्रिस क्रॉस मेथड के हिसाब से ये कटा बना क्या CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन NaNO3 कैसे बना, Na की वैलेंसी कितनी हुई, Na की वैलेंसी 1, NO3 की वैलेंसी -1, क्रिस क्रॉस हुआ, क्या बना NaNO3। क्यों बना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो डायरेक्टली बन गया सोडियम नाइट्रेट। ये अपने सोडियम नाइट्रेट बना दिया। CaOH का होल ट्वाइस, CaOH, Ca की वैलेंसी क्या है 2, OH की वैलेंसी क्या है 1, -1। ठीक है, क्रिस क्रॉस से क्या मिला CaOH को कितना मिला 2, तो CaOH का होल ट्वाइस, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं NaCO, Na की वैलेंसी 1, CO की वैलेंसी क्या थी -2, Na की वैलेंसी 1 + 1, इसकी -2, क्रिस क्रॉस हुआ, इसमें प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। Na को क्या मिला 2, CO को क्या मिला कुछ भी नहीं, पर CO3 था ये। ठीक है, तो ये हो गया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन NH4SO4। अब लास्ट टॉपिक पे जब NH की बात आई थी, NH के ऊपर क्या लिखा था 1, जो कि हो गया प्लस का, और SO4 पे क्या वैलेंसी -2 की, -2। दोनों में क्रिस क्रॉस मेथड लगाया, NH4 एज इट इज क्या मिला इसको 2, NH2 इसको क्या मिला 1, SO4। ये क्या हो गया, ये क्या बन जाएगा अमोनियम सल्फेट आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे केमिकल रिएक्शन करते हैं और कैसे केमिकल रिएक्शन होती है क्रिस क्रॉस मेथड से। क्रिस क्रॉस मेथड कंसेप्ट ऑफ क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड से हम कंपाउंड्स बनाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया, CCl4 हो गया, उसी तरीके से सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या फिर इसमें आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलेगी, आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी, आगे अपन को कैसे पढ़ेंगे केमिस्ट्री में या फिर आगे कैसे कैसे वीडियोस आएंगे मेरी नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोस, तो वो जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को दबाना होगा। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।